मैं बारिश से नहीं बरसाऊंगा ना, सबके सब भूखे मर जाएंगे, बोले अभी तुमको मजा दिखाता हूँ। इसलिए कृष्ण ब्रजवासियों को नंद बाबा का बुद्धि को उन्होंने बदला दिया, बोले बाबा ये इंद्र पूजा करने का कोई जरूरत नहीं, हम लोग जो यहाँ निवास कर रहे हैं ये गिरिराज के आशीर्वाद से, जितने फल फूल जितने पानी जितने सब कुछ हम गिरिराज से मिलता है, गैया घास गिरिराज से खाते हैं, दूध देते हैं उससे बनता है दही मक्खन जो कुछ बनता है दूध से, इसलिए हमारा मूल धन कौन है, गाभी है। इसलिए आप लोग बाबा जो गिरिराज गोवर्धन है, ये गिरिराज गोवर्धन कोई पहाड़ नहीं, ये गिरिराज गोवर्धन ये ब्रज की देवता है, हाँ? इसलिए पिताजी ये इंद्र की पूजा करने का कोई जरूरत नहीं। बोले कितना साल से पूजा कर रहे हो, बोले जब से होश आया। बोले कभी देखा कुछ खाते हुए, बोले नहीं लाला। बोले ये गिरिराज ऐसे के देवता है ना, जब उनको भोग लगाओगे साक्षात रूप में दर्शन करोगे स्वयं प्रकट होकर के दर्शन देंगे। और इनकी बोले गिरिराज महाराज की, और इनकी सेवा में है, इनकी सेवा में जो एक अन्न का दाना इनकी सेवा में कोई लगा दे, किसी जीवन में कभी अन्न वस्त्र का कभी अभाव नहीं पड़ेगा। अगर कृष्ण किसी को बुद्धि बदलाने चाहिए, बुद्धि बदलेगा नहीं। बहुत सारे ब्रजवासी तो बोले ठीक है लाला, हम तो कल श्री गिरिराज गोवर्धन की हम लोग को पूजा करेंगे। गिरिराज के लिए तरह तरह का अन्न व्यंजन बनाया, हाँ, जिसका नाम पड़ गया अन्न कूट। अन्न मतलब जैसे चावल का कूट मतलब पर्वत है, चावल का पर्वत, रोटी का पर्वत, जलेबी की पर्वत, रसगुल्ला की पर्वत, सब पर्वत 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 आकार में सब कैसे बन गया। सारे ब्रजवासियों ने कृष्ण स्वयं एक स्वरूप में तो पूजा करवाई, और दूसरे स्वरूप में उन्होंने पूजाओं को ग्रहण किया दूसरे स्वरूप में। सचमुच से जब कृष्ण तुलसी दल दे करके एकदम सघृत नद्वैद उपकरणम श्री गिरिराजाय नमः बोल करके जब उन्होंने गिरिराज को अर्पण किया, सचमुच से सब ब्रजवासियों ने देखा विशाल स्वरूप लेते हुए गिरिराज स्वयं प्रकट हो गए, और हाथ बढ़ा बढ़ा करके स्वयं गिरिराज ग्रहण कर रहे थे, मिनट में सब कुछ ग्रहण कर लिया। बोले आनोरे आनोरे और ले आओ और ले आओ और ले आओ, है ब्रजवासियों ने कहा गिरिराज गोवर्धन हम गरीब ब्रजवासी है, अब इसी में ही संतुष्ट हो जाओ। गिरिराज बोले तृप्त अस्मि, मैं प्रसन्न हो गया हूँ, देखो मैं स्वयं गिरिराज हूँ, स्वयं उन्होंने दर्शन दिया, मैं स्वयं गिरिराज गोवर्धन हूँ, आज का दिन जो मेरी पूजा किया है किसी जीवन में कभी अन्न वस्त्र का कभी उनकी अभाव नहीं पड़ेगा। अगर मेरे कोई अनादर किया ना, दरिद्र भिखारी होकर दर दर उसको भटकना पड़ेगा, गिरिराज ने ये बात बताया। इसलिए यहीं पर उन्होंने आनोरे 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 बोला था, इसलिए, और यहीं पर श्री श्री माधवेंद्रपुरी यहीं पर उन्होंने अन्नकूट पूजा, उन्होंने वहीं पर जो पर्वत वहां देख रहे हो यहीं पर उन्होंने अन्नकूट की पूजा उन्होंने यहीं पर उन्होंने की थी। एक महीना तक उन्होंने श्री अन्नकूट महोत्सव किया है। जब माधवेंद्रपुरी कहते ये जो प्रेम का जो अंकुर है, कहते यही से हमारी जो ब्रज प्रेम की जो अंकुर, कहते यही से ही ये अंकुर शुरुआत हुआ है। और इसी में कौन सा श्लोक है जो कि आस्वादन किया, कौन सा श्लोक है, दीन दयाल 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 नाथ है मथुरा नाथ, कहते ये जो श्लोक है कहते केवल तीन व्यक्ति ही ये श्लोक का रसास्वादन कर पाए, एक तो माधवेंद्रपुरी, दूसरा श्री चैतन्य महाप्रभु, और तीसरा श्री राधा रानी। मतलब माधवेंद्रपुरी जो मेघ को दर्शन करते थे कृष्ण स्मरण करते हुए मूर्छित हो जाते थे, वो अजाचक वृत्ति था, कभी किसी को पास में किसी चीज की मांगते नहीं थे, क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास था गुप्तृते वर्णम तथा, कृष्ण जरूर हमको पालन करेंगे। तब यहाँ पर कहते हैं जब तो कोई भिक्षा दिया दिया खा लिया, जब नहीं दिया फिर वो क्या करते थे, तब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं हरि नाम रस सुधा करिया पान जुड़ा भक्ति विनोद प्राण। जब कोई कुछ नहीं देते थे ना, ये हरि नाम की अवली ये अमृत है, इसलिए नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह स्वयं रस स्वरूप कृष्ण नाम। जब कोई कुछ नहीं देते थे कृष्ण नाम से ही उनका ऐसे रस प्राप्त होता था, उनको खाने के लिए भी किसी चीज की जरूरत नहीं। एक दिन ही भूखे में बैठे हुए हरि नाम कर रहे थे, अभी उनको कोई कुछ दिया नहीं, इतने में कृष्ण स्वयं बालक बन करके आ गए, दूध लेकर, बोले बाबा बाबा तुमने आज भोजन नहीं किया, लो ये दूध पी लो। बोले तेरे कैसे पता चला मैं भूखा बैठा हुआ हूँ,
बोले यहाँ पर कुछ गोपियां पानी भरने के लिए यहाँ आई थी, उन लोगों ने आपको देख करके हमें बताया। बोले देखो ये ब्रज में कभी कोई भूखे नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी तरह से कोई माधुकरी करके तो जीवन निर्वाह करते हैं, और जो कुछ नहीं ग्रहण लेते हैं ना उनका मैं स्वयं पालन करता हूँ। लो ये दूध पी लो, जीवन में बहुत दूध पिया लेकिन आज ये जो दूध है ना स्वयं कृष्ण ने ये दूध दिया। जब उन्होंने दूध को पिया उसको रोम रोम खिली उठा, प्रेम से आनंद में प्रेम में भरपूर हो गए, हृदय प्रेम में द्रवीभूत हो गया। बोले क्यों ये दूध को किसने दिया है? कृष्ण स्वयं जिस दूध को दिया, पी करके तृप्त तो हो गए। जब हरि नाम कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, थोड़ी सी झपकी आई तो देखा फिर वही बालक आ गया। आ करके बोले माधवेंद्रपुरी मेरे को बज्रनाब ने स्थापन की थी, और मुसलमान का आक्रमण होने पर मेरे के सेवक लोग इसी जंगल में मेरे को छोड़ करके चले गए। मैं बड़े दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था कब ये माधवेंद्र आसी करिए सेवा, कब ये माधवेंद्र आकर के मेरी सेवा करेगा। बड़े दिनों से इंतजार कर रहा था। आओ उनको हाथ पकड़ कर ले, स्वप्न देखा हाथ पकड़ कर ले। बोले देखो यहाँ पर मैं पड़ा हुआ हूँ, ये गांव के लोग को लेकर उद्धार कर। उन्होंने गांव वासियों को लेकर गोपाल जी को उद्धार की, और उन्होंने अभिषेक गोविंद कुंड के पानी को उन्होंने अभिषेक किया है, और उन्होंने एक महीना तक यही पर उन्होंने अन्नकूट का उन्होंने महोत्सव उन्होंने यही पर किया था। ये जो कुंड है इसका नाम संकर्षण कुंड है। एक समय कृष्ण सब ब्रज गोपियों के साथ में राधा कुंड में होली खेल रहे थे। हैं कहते होली खेलते समय इतने में ये जो दैत्य है, हैं ये दैत्य शंखचूड दैत्य आ गया। आकर के देखा भैया गोपियां तो बड़ी सुंदरी है, हैं कितने सुंदरी है, कहते ये पृथ्वी के जितने स्त्रियों की सुंदरता का एक करो ना, कहते स्वर्ग के एक अप्सरियों के साथ में सारे अप्सरियों को सुंदरा को एकत्रित कर तो कहते एक महिषियों के साथ में बड़ा हो जाता है, इनकी सारी सुंदरता को एकत्रित कर तो एक गोपियों को सुंदरता को साथ में बराबर कर सकते हैं। और राधा रानी कहते इनकी सारे सुंदरता को एकत्रित करने पर भी राधा रानी की चरण की नख की छटा में इनकी सारी सुंदरता एक साथ में समा जाएगा, इतने सुंदरी। अभी देख करके बोले बढ़िया सुंदरी है। इतने में होली खेल रहे थे, शंखचूड ने किया किया ये गोपियों को लेकर वहां से भगे, इनको खदड़ाते खदड़ाते हुए। इतने में कृष्ण ने कहा दाऊ भैया तुम यही रोको इसको मैं देखता हूँ। कृष्ण उसको खदड़ाते हुए यहीं पर लाए, और यहीं पर उनको उन्होंने बध किया। बध किया तो उसको साथ में था मणि, उन्होंने ये मणि को उन्होंने छीन लिया। मणि को छीन करके उन्होंने धनिष्ठा सखी को दिया, फिर उन्होंने लेकर के धीरे 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 उन्होंने श्री राधा रानी को वो मणि दे दिया। इसलिए ये जो कुंड है इसका नाम संकर्षण कुंड, क्यों उसे बलदेव प्रभु है श्री मूल संकर्षण, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हाँ इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और भी बहुत सारी लीला आसपास में चंद्रावली की यहाँ पर स्थान भी है, बहुत सारी लीला स्थली है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए, इसलिए यहाँ के चरण धो ले। और निताई गौर प्रेमानंदे हरि सुन महाराज समाज के मुख कर बस कौन सा चंद्रावली दल আমরা যেখানে বসে আছি এই পাশে শঙ্করসন কুণ্ড আর ওই পাশে গৌরী কুণ্ড বলে শ্রীধর ভাই বসেছে নিচে আখি।